दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरविंद मिश्रा। मैं आज आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो आपकी जिंदगी में ट्रिमेंडस चेंज ला सकता है। दोस्तों आज के इस आर्थिक युग में, आज हम इस भागदौड़ी में अगर कहीं भी वीक रह जाते हैं तो हम अपने करियर को उस ऊंचाई पर नहीं देख पाते। आज इस वीकनेस में एक बहुत बड़ी वीकनेस है और वो है इंग्लिश स्पीकिंग की वीकनेस। दोस्तों मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, पहले मैं खुद पहले बहुत वीक था इंग्लिश में, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की। 5-6 सालों से कंटिन्यू मैंने इंग्लिश को सीखा और आज मैं प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर पाता हूँ। लेकिन रेस्ट एजुकेशन रोजवुड इंग्लिश सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लाई है जो आपको सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने में इंग्लिश बोलने में एकदम परफेक्ट कर देगी। हाय फ्रेंड्स, मैं रागिनी। मैं और मेरी कजन, हम दोनों ने एक साथ एक ही कॉलेज से बीटेक इंजीनियरिंग किया। लास्ट ईयर जब हमारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हो रहा था, उस वक्त बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे कॉलेज में इंटरव्यूज लेने आई। हम दोनों ने इंटरव्यू में पार्ट किया। हम दोनों की परसेंटेज भी सेम थी, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं। मैंने बहुत सोचा आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैंने भी सभी राउंड क्लियर किए थे, सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए थे, फिर क्यों, ऐसा क्यों। बहुत सोचने के बाद मुझे पता लगा, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से थी, उसकी स्पीकिंग इंग्लिश बहुत अच्छी थी और मेरी नहीं। मैं घर गई, घर जाकर बहुत परेशान हुई, बहुत रोई। तब मेरी भाभी ने मेरे पास आकर मुझसे कहा, कोई बात नहीं दीदी, शायद आपकी किस्मत में ही नहीं था। तभी मेरे भैया ने कहा, तुम्हें जहाँ जॉब मिली है तुम वहीं जॉब करती रहो और जॉब के साथ साथ अपनी इंग्लिश सुधारो। उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर मुझे रेस्ट एजुकेशन का इंग्लिश लर्निंग आईपॉड गिफ्ट किया। उस आईपॉड को सुनते सुनते मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की। आज मैं अपनी ही कंपनी की तरफ से मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड भेजी जा रही हूँ। देखा आपने रेस्ट एजुकेशन के इंग्लिश लर्निंग आईपॉड का कमाल। दोस्तों आज का जो युवा वर्ग है, जो आज काम कर रहा है, जो आज कहीं MBA कर चुका है, जो आज एक इंजीनियर है, जो आज किसी बैंक में काम कर रहा है, जो किसी न किसी जॉब में कहीं न कहीं कुछ कर रहा है, या आप बिजनेस कर रहे हैं, दोस्तों आज आपको इंग्लिश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे पास वो एजुकेशन नहीं है कि हम इस भाषा में परफेक्ट हो पाते। कोई बात नहीं, तो रेस्ट एजुकेशन रोजवुड इंग्लिश सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लाई है कि आपको बैठे हुए, खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए, ट्रेवलिंग में, किसी भी वक्त आप इस प्रोडक्ट से इंग्लिश सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एक वकील हूँ। 4 साल पहले लॉ किया, फिर कॉर्पोरेट लॉ का काम शुरू किया। दोस्तों जब मैंने ये काम शुरू किया था तो उस वक्त मेरे पास क्लाइंट तो बहुत थे, लेकिन मैं उनके केसेस कॉन्फिडेंटली डील नहीं कर पाता, क्योंकि मैं इंग्लिश की वजह से मात खा जाता था। फिर मेरे एक क्लाइंट ने रेस्ट एजुकेशन का इंग्लिश लर्निंग आईपॉड ला के दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास इंग्लिश सीखने का तो वक्त ही नहीं है, और फिर मैं इससे कैसे सीखूंगा। उसने कहा वकील साहब, जब आप घर से दफ्तर जाते हैं, दफ्तर से घर आते हैं, तो उस वक्त तो आप अपनी कानून की मोटी मोटी किताबों में बिजी रहते नहीं है, बस उसी टाइम को यूज करना है और इंग्लिश सीखनी है, बस। दोस्तों मैंने वैसा ही किया और आज मेरे पास इस देश की बड़ी बड़ी कंपनी के कई क्लाइंट्स हैं जिनके केसेस मैं कॉन्फिडेंटली डील करता हूँ। सो थैंक्स टू रेस्ट एजुकेशन का इंग्लिश लर्निंग आईपॉड। देखिए सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है ये लिसनिंग थेरेपी पे काम करता है। अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सिर्फ बोलना सीखना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम उस लैंग्वेज को बोलने के लिए सीखें, तो हमें सिर्फ उस लैंग्वेज को सीखना है। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं खुद पहले गुजरात में था। गुजरात में मैंने आज तक कभी भी गुजराती लैंग्वेज नहीं पढ़ी, ना मैंने कभी लिखा है, लेकिन आई कैन स्पीक इन गुजराती, हूँ गुजराती बोल सकूँ छू। वाई? क्योंकि मैं गुजरात में रहा और मैंने गुजराती लोगों से इंटरेक्ट किया। जब मैंने उन लोगों से बात किया, मैं उन लोगों में रहा, तो उन लोगों से जो शब्द थे, उन लोगों के जो सेंटेंसेस थे, वो सेंटेंस मैं याद कर लिया करता था और मैं बड़े आसानी से गुजराती लोगों से बात करने लगा। इस प्रोडक्ट में हमने 700 वो सेंटेंसेस जो हमें डेली रूटीन में यूज होते रहते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंसेस और वो 500 वर्ड्स जो हमें डेली रूटीन में चाहिए होते हैं, उस सारे के सारे सेंटेंसेस हमने एक आईपॉड में, एक MP4 प्लेयर में डाउनलोड कर दिए। देखिए दोस्तों, इस प्रोडक्ट में ना कोई CD आएगी, ना कोई बुक आएगी।
क्योंकि ये बहुत पुराना तरीका है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का। जो मैंने आपको 700 सेंटेंस बताए हैं, ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होते हैं। अगर मैं आपको कोई भी सेंटेंस बोलता हूँ, मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आपका नाम क्या है, मैं अगर फिर से पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, तो हिंदी में आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर यही चीज मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, अगर मैं ये चीज आपको बार बार सुनाता हूँ, तो आपको व्हाट इज योर नेम आपको याद हो जाएगा। इन दैट सेम वे हमने ये सारे 700 सेंटेंसेस डब करके और उस MP4 प्लेयर में डाउनलोड कर दिए। हाय फ्रेंड्स, वैसे तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, पढ़ाई के बाद शादी हो गई, और फिर शादी के बाद वही बाल बच्चे और घर गृहस्थी। मैं इतना बिजी हो गई कि अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। मैंने पढ़ाई हिंदी मीडियम से की है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा हिंदी मीडियम में पढ़ना मेरा इतनी बड़ी कमजोरी हो सकता है। मेरे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। मैं जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती या किसी पब्लिक प्लेस में जाती हूँ, तो सभी लोगों को एक दूसरे से इंग्लिश में बात करता हुआ देखकर मुझे अपने ऊपर शर्म महसूस होने लगी, क्योंकि मैं इंग्लिश में कमजोर थी। तो सोचा क्यों ना इंग्लिश सीखी जाए। मैंने इंग्लिश सीखने के बहुत से तरीके अपना लिए, लेकिन अफसोस इंग्लिश नहीं सीख सकी। और फिर अचानक एक दिन मुझे रेस्ट एजुकेशन इंग्लिश लर्निंग का आईपॉड मिला, जिसे मैं खाना बनाते समय, वॉक करते समय और रोजमर्रा के कामों के वक्त सुनने लगी। और मानो सिर्फ तीन महीने में मैं इंग्लिश बोलने लगी, और वो भी बिना किसी एफर्ट्स के। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। आज मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकती हूँ, और जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग या पब्लिक प्लेसेस में जाती हूँ, तो आगे बढ़ चढ़कर उनके साथ इंग्लिश में बात करती हूँ। मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस होने लगा है। सो आई बिलीव दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि किस तरीके से आप रेस्ट एजुकेशन के इंग्लिश लर्निंग आईपॉड से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि इसमें जो 46 फाइल्स दी हुई हैं, इनमें से एक फाइल उठानी है और इस फाइल को इतनी बार सुनना है जब तक कि वो फाइल आपकी मेमोरी में ना चली जाए। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपको एक फाइल इतनी बार सुनना है कि वो फाइल पूरी की पूरी आपके दिमाग में ना चली जाए। जैसे ही आप इस पूरी फाइल को मेमोराइज करेंगे, आपकी मेमोरी में एक बैंक बन जाएगा इंग्लिश के वर्ड्स का और सेंटेंसेस का। किस तरीके से आपने उस फाइल को सुना, सुनकर आपने सुनते चले गए, आपके दिमाग की मेमोरी में वो फाइल फिट हो गई। अब आपको जब भी वो सेंटेंस या उससे रिलेटेड वर्ड्स आपको चाहिएंगे, तो आपके पास है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हम इंग्लिश बोलना जानते हैं, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास उस वक्त वो वर्ड या वो सेंटेंस मेकिंग नहीं हो पाता, और इसलिए हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। लेकिन रेस्ट एजुकेशन ये काम भली भांति पूरा करता है। किस तरीके से? आपने पूरी 46 फाइल्स अगर 3 से 4 महीने में याद कर ली, तो आपके पास 700 सेंटेंसेस इंग्लिश के और 500 वर्ड्स का एक बहुत बड़ा बैंक होगा। दोस्तों, ये 700 सेंटेंसेस वही सेंटेंस है जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। आपको जैसे कि मुझे मुंबई जाना है, तो उसका इंग्लिश में होगा आई वॉन्ट टू गो मुंबई। अगर मुझे कैलकटा जाना है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना, आई वॉन्ट टू गो टू कैलकटा। अगर आपको ये सेंटेंसेस याद हो गए, तो आप बड़ी आसानी से ये सेंटेंसेस बोल सकते हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ग्रामर में जैसे कि 3 टेंसेस होते हैं और उनकी 12 ब्रांचेस होती है, वो सारे की सारी ब्रांचेस के सारे सेंटेंस आपको रेस्ट एजुकेशन के इंग्लिश लर्निंग आईपॉड में मिलेंगे। आपको सिर्फ ये करना है, उन सेंटेंसेस की टेक्निकलिटी आपको सुन सुन के याद करनी है, और आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि आप पास्ट टेंस भी यूज कर रहे हैं, आप प्रेजेंट टेंस भी यूज कर रहे हैं, और आप फ्यूचर टेंस भी यूज कर रहे हैं। दोस्तों, इतना सरल प्रोडक्ट आज तक मैंने तो कहीं नहीं देखा। ना आपको पढ़ना है,
ना आपको वर्ड्स याद करने हैं, ना आपको सीडीज देखनी है, ना आपको सीडीज सुननी है, ना आपको कहीं पेन और कॉपी लेकर पढ़ने जाना है, क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपको सिर्फ रेस्ट एजुकेशन का आईपॉड का अभी ऑर्डर करना है, और जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे, आपके पास जैसे ही रेस्ट एजुकेशन का आईपॉड पहुंचता है, आप इंग्लिश बोलने के लिए सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, आज जिन भी लोगों ने ये आईपॉड यूज किया है, उनकी जिंदगी में एक ट्रिमेंडस चेंज आ जा रहा है। आपकी जिंदगी में भी ये चेंज आ सकता है अगर आप पॉजिटिवली इस डिसीजन को लें और अभी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें और इस आईपॉड का आप यूज करें। 10th की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे दुकान पे आने को कहा और मैं दुकान संभालने लगा। पूरी कड़ी मेहनत के साथ मैं दुकान को चलाने लगा और आज दुकान को मैं डिपार्टमेंटल स्टोर तक ले आया। आटा दाल बेचते हुए कभी लगा ही नहीं कि मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। कब 13 से 43 का हो गया पता ही नहीं चला। मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया और अमेरिका भेजा और वो वहीं अमेरिका में सेटल हो गया। हाँ, अमेरिका में सेटल होने के बाद एक दिन जब उसने मुझे इनवाइट किया, मुझे बुलाया कि आप अमेरिका हो, बस फिर क्या था, चल दिया अमेरिका 3 महीने का वीजा लेकर। लेकिन जब वहां मैं पहुंचा तो 1 हफ्ते तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बेटे बहुओं से बातें कर, पोते पोतियों को खिलाकर, उनके साथ घूमकर अमेरिका बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन 1 हफ्ते बाद मैं बोर सा होने लगा, बोरियत से होने लगी, क्योंकि वहां की जो इंग्लिश में गिटर पिटर मेरी समझ से बाहर था। और मैंने फैसला किया कि मुझे वापस हिंदुस्तान आना है। जब मैं हिंदुस्तान आया तो मुझे लगा कि जब मेरे पोते पोती हिंदुस्तान आएंगे और मुझसे कहेंगे दादाजी मुझे कहानी सुनाओ, तो मैं उनको अंग्रेजी में कहानी कैसे सुनाऊंगा। आखिरकार मैंने मेरे दोस्तों से सलाह मशवरा किया कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है। जैसे मैंने उनसे ये पूछा तो सब मेरा मजाक से उड़ाने लगे। लेकिन उन्हीं के बीच गुप्ता जी, जिन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप रेस्ट एजुकेशन आईपॉड ले आइए। बस फिर क्या था, जैसे ही गुप्ता जी ने मुझे बताया, मैं गया मार्केट और मैंने तुरंत रेस्ट एजुकेशन इंग्लिश लर्निंग आईपॉड खरीदा। और अब मुझे इंतजार है मेरे ग्रैंडसन और मेरी ग्रैंड डॉटर के इंडिया आने का। और जब हिंदुस्तान आएंगे, इंडिया आएंगे, तो मैं उनको अंग्रेजी में कहानियां सुनाऊंगा। दिस इज द मैजिक ऑफ रेस्ट एजुकेशन इंग्लिश लर्निंग आईपॉड। तो आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इस शानदार प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है। फ्रेंड्स, कॉस्ट बताने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अगर आज हम कहीं भी किसी भी टीचर या ट्यूटर के पास हम इंग्लिश की कोचिंग लेने जाते हैं तो 3000 टू 5000 रुपीस हम वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं। उसके साथ हम जो जाते हैं वो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वो भी इसमें जुड़ेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप 3 महीने की कोचिंग अगर आप वहां ज्वाइन करते हैं तो पर डे इफ यू आर स्पेंडिंग 50 रुपीज तो आपका लगभग 3,000 से 4,000 रुपए का वो खर्चा हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आप खर्च करते हैं वो है आपका वक्त, आपका प्रीशियस टाइम। और अगर आप पर डे 5 आवर्स देते हैं तो सोचिए आप 3 महीने में 450 घंटे 450 आवर्स आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप इंग्लिश सीखने के लिए। क्या उसके बाद भी आप इंग्लिश सीख पाते हैं? ये आप अपने आप से पूछिए दोस्तों कि 3 महीने की कोचिंग्स में 5 घंटे की डेली की पढ़ाई के बाद भी अगर आप इंग्लिश सीख सकते हैं तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है रेस्ट एजुकेशन के इंग्लिश लर्निंग आईपॉड को ऑर्डर करने की। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आई नीड दिस प्रोडक्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, यू वॉन्ट टू गो समवेयर, यू वॉन्ट टू अचीव योर ड्रीम्स, तो अभी ऑर्डर कीजिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर और ले जाइए रेस्ट एजुकेशन का इंग्लिश लर्निंग आईपॉड। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलम है। ग्रेजुएशन के बाद मेरे फैमिली वालों ने मेरे लिए अच्छे रिश्ते तलाशने शुरू किए। फिर एक लड़का जो अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर था उससे मेरे रिश्ते की बात हुई। उसके फैमिली वालों ने आके रिश्ता फाइनल कर दिया। फिर जब मैं उनसे पहली बार मिली, ही वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश।
मैं तो उनसे बात ही नहीं कर पाई क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। फिर एक दिन उनके फादर का फोन आया कि आपकी लड़की इंग्लिश नहीं बोल सकती। हमने सोचा वो एमए इंग्लिश में है इसलिए इंग्लिश बोल लेती होगी, पर इतना कहकर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। फिर मुझे रेस्ट एजुकेशन का इंग्लिश लर्निंग आईपॉड मिला जिससे मैंने 3-4 महीनों में ही परफेक्ट इंग्लिश बोलना सीख लिया। अब मैंने एक दिन उस लड़के को अमेरिका फोन किया। बिना अपनी पहचान बताए मैं उससे बातें करने लगी। धीरे धीरे उनका भी फोन आने लगा और उन्होंने कहा मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर जब वो इंडिया आए तो उन्होंने मुझसे मिलने के लिए कहा। मैंने कहा पहले आपको मेरे पेरेंट्स से मिलना होगा। फिर वो राजी हो गए और जब मैंने उन्हें अपने घर का एड्रेस दिया ही वॉज क्वाइट शॉक और उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ और वो मेरे घर आए। उन्होंने मेरे पेरेंट्स से और मुझसे भी माफी मांगी। देखा आपने रस एजुकेशन के इंग्लिश लर्निंग आईपॉड का कमाल। हाय फ्रेंड्स, मायसेल्फ हितेश। आई मेड सच अ ब्लंडर मिस्टेक बट नाउ रस्ट एजुकेशन चेंज माय लाइफ। सो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट कि अगर आपको लगे कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, अगर ये खराब हो गया तो क्या होगा। फ्रेंड्स, आपको कंपनी ये प्रोडक्ट की उतने ही वक्त की वारंटी देती है जितने वक्त में आप इस इंग्लिश लर्निंग सॉफ्टवेयर से आप इंग्लिश सीख लेंगे। यानी आपको कंपनी 3 महीने की वारंटी देती है। अगर इस प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कंपनी आपको इस प्रोडक्ट की वारंटी देती है। आपको सिर्फ करना यह है, नीचे दिए गए नंबर पर आप अपना ऑर्डर नंबर बताइए और ऑर्डर नंबर बताकर आप हमारे नियरेस्ट डीलर के पास जाके इस प्रोडक्ट का वारंटी ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुनील गौतम है और मैं एक टीचर हूँ। मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, इससे मेरी लाइफ चेंज हुई है, ये आपकी भी लाइफ बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके इस प्रोडक्ट का ऑर्डर देते हैं तो मैं आपको देता हूँ इस प्रोडक्ट के साथ एक जानदार शानदार रिस्ट वॉच। क्यों? क्योंकि ये रिस्ट वॉच आपको याद दिलवाएगी कि आपको जल्दी से जल्दी रेस्ट एजुकेशन के आईपॉड को ज्यादा से ज्यादा यूज कर आपको इंग्लिश सीखना है और कम से कम समय में आपको इंग्लिश सीखकर अपने सपनों को अचीव करना है। फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू दिस, अगर आज आपको इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में आगे बढ़ना है, आपको अपनी जिंदगी में अपने सपने पूरे करने हैं, आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी ही पड़ेगी। इस आईपॉड से मेरी लाइफ बदली है तो आपकी लाइफ भी बदल सकती है। मैं रेस्ट एजुकेशन के इंग्लिश लर्निंग आईपॉड से इंग्लिश बोलना सीख रही हूँ, आप भी सीख सकते हैं। मैं रेस्ट एजुकेशन का इंग्लिश लर्निंग आईपॉड यूज कर रहा हूँ, जब मेरी लाइफ बदल सकती है तो आपकी क्यों नहीं बदल सकती। मैं एक ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट थी, मैंने रेस्ट एजुकेशन का इंग्लिश लर्निंग आईपॉड यूज किया एंड आज मैं उसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ।